स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं नैन्सी गौतम। खबरों की शुरुआत करेंगे गुजरात कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी एके शर्मा के वीआरएस से लेने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि एके शर्मा को योगी सरकार में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और एके शर्मा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते हफ्ते एके शर्मा की पीएम और सीएम योगी से मुलाकात हुई, जिसमें एके शर्मा को योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी और बीजेपी में शामिल करने का फैसला हुआ है। कहा जा रहा है कि इसी बैठक के बाद जो है एके शर्मा ने वीआरएस लिया। एके शर्मा गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा पीएमओ में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार एके शर्मा को विधान परिषद भेजेगी। एके शर्मा मऊ के रहने वाले हैं और इसी बीच यूपी में तीसरे डिप्टी सीएम को चर्चा भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकती है। इसमें एससी एसटी समुदाय से आने वाले किसी नेता को तीसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो गुजरात कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं एके शर्मा, और इनके वीआरएस लेने के बाद जो है राजनीति में नई चर्चा उत्तर प्रदेश के लिहाज से शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि एके शर्मा को योगी सरकार में कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसकी सुगवाहट तेज हो चुकी है क्योंकि पहले बैठक भी हुई थी, पीएम से मुलाकात की, सीएम से मुलाकात की, और अब यह माना जा रहा है कि एके शर्मा को जल्द ही बीजेपी में उनको शामिल किया जा सकता है, बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीते हफ्ते एके शर्मा ने प्रधानमंत्री से भी और सीएम योगी से भी मुलाकात की है, तो जिसमें एके शर्मा को योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी देने के लिए फैसला हुआ है और बीजेपी में शामिल करने का फैसला हुआ है। तो क्या यही हकीकत है, मोदी के खास अफसर शुरू करेंगे सियासी पारी हम ये समझें, क्योंकि मोदी के करीबी माने जाते हैं अफसर और उन्होंने वीआरएस लिया है, तो इससे ये संकेत लग रहे हैं कि अब उन्होंने वीआरएस लिया है तो इससे ये संकेत लग रहे हैं कि अब राजनीति में इनका सफर शुरू हो जाएगा। गुजरात कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। संकल्प हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकल्प, क्या कुछ जानकारी है? सीनियर ऑफिसर है एके शर्मा, इनको लेकर जानकारी ये आ रही है कि वीआरएस लिया है तो ये राजनीति में भी अब चर्चा इनकी शुरू हो रही है कि अब राजनीति में भी आने जा रहे हैं। इस बीच हमारा संकल्प से संपर्क नहीं बन पाया है, तो आपको बता दें कि गुजरात कैडर के ये सीनियर ऑफिसर आईएएस अधिकारी एके शर्मा वीआरएस से लेने के बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नई चर्चा शुरू हो चुकी है इसको लेकर कि जल्द ही इनको बीजेपी में शामिल किया जाएगा। यूपी सरकार में कोई जल्द इनको जिम्मेदारी मिल सकती है एके शर्मा को, एके शर्मा को विधान परिषद भेजा जा सकता है। ये जानकारी गुजरात कैडर के आईएएस एके शर्मा जो है उनको नई जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। संकल्प हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संकल्प, जरा बताएं क्या कुछ और अपडेट है इस पर, क्योंकि अभी ये पता चला है कि एके शर्मा वो राजनीति में भी अपना जो सफर है उसकी शुरुआत करेंगे, क्या कुछ और जानकारी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार मोदी सरकार में जो एक करीबी प्रिय प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय अफसर भी रहे और इन्होंने इनके जो वीआरएस देने के बाद में कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी में और खासतौर से योगी सरकार में इनको एक अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर मोहर लग सकती है। ये भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी जो है डिप्टी सीएम बनाने पर भी मंथन कर सकती है। अगले एक या दो हफ्ते में इस पर फैसला भी संभव है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी थे सीएम गुजरात में, जब तत्कालीन जब वो सीएम थे उस दौरान गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारी पर तैनात थे ये वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर। पीएमओ में भी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं आईएएस शर्मा जी। तो साफ तौर पर एक जो अचानक से स्वैच्छिक सेनावृत्ति ली है इन्होंने और जिस पे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि लगातार मंथन जारी है कि योगी सरकार में किस अहम जिम्मेदारी को ये संभालेंगे। और साफ तौर पर सूत्रों की अगर माने तो इस्तीफे के कारण उन्हें योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी जानी है, इसके चलते माना जा रहा है कि इस्तीफा इन्होंने जो है स्वैच्छिक इस्तीफा जो है दिया है, वीआरएस लिया है। और साफ तौर पर कई ऐसे पल रहे हैं जिसमें खास तौर पर ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार शर्मा जो ये अधिकारी हैं एके शर्मा, इनकी तारीफ करी है और सीएम से और प्रधानमंत्री से लगातार इनकी कई मुलाकात हुई है, जिस दौरान ये माना गया कि
इनको एक अच्छे प्रोफाइल पर सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी और माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं गुजरात कैडर के आईएएस एके शर्मा। ठीक है, शुक्रिया आपका संकल्प। तो वीआरएस आपको बता दें यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट भी इसको कहते हैं, और वीआरएस लेने वाले अब ये अधिकारी जो है इनकी इनको लेकर खबर ये है कि योगी सरकार में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और संकल्प भी ये बताते हुए नजर आए हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अप्लाई कर दिया है तो इससे कयास और तेज हो जाते हैं।